आबे हयात को लेने का मेरे पास यही मौका है, वरना मैं खान बाबा को कभी नहीं बचा पाऊंगी। आज कोई जंजीर मुझे रोक नहीं सकती। खान बाबा सिंसा मैंने कहा था ना रोशनी, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। ये सब क्या हो रहा है? बोलिए ये सब क्या हो रहा है? तापी जी प्लीज बताइए खान बाबा कहां पर है? बोलिए रोशनी, हमने देर कर दी रोशनी। नहीं हो सकता, ये काला जिन यहाँ पे क्यों आया था? काला जिन अपना कर्ज कभी नहीं भूलता, वो अपना कर्ज लेने आया था। अमन की रूह देने का वादा किया गया था, उसी वादे की कीमत वसूलने आया था, और
कीमत लेकर चला गया। क्यों आई हो यहां? क्यों बुलाया मुझे? कहते हैं काले जिनकी गुफा में हवा भी आ जाए वो भी वापस नहीं जा पाती, लेकिन आज मैं अपने शौहर को यहां से वापस लेके जाऊंगी। नादान लड़की, अमन की जान पर सिर्फ मेरा हक था, वो तुम्हारे नसीब में कभी था ही नहीं। जो मेरा था वो मैंने ले लिया। अब जाओ, तुम्हें काले जिन के जलाल का अंदाजा नहीं है। तुम्हारी ये जिद तुम्हारी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। एक बीवी जब अपनी जिद पे आती है तो सूरज और चांद अपनी जगह बदल लेते हैं, लेकिन उसकी जिद तस से मस नहीं होती। मैं अपने शौहर, अपने खान बाबा को यहाँ से लेके जाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ये लेने आई हो ना, ये अमन की रूह। जैसे ही ये रोशनी बुझ जाएगी, अमन हमेशा के लिए जिन्नात की दुनिया में चला जाएगा और फिर वो कभी वापस नहीं आएगा। तुम सौदा करते हो ना, तो सौदा करो, चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, कोई भी कीमत। कीमत आप नहीं, मैं दूंगा भाभी। काले जिन को एक जिन चाहिए ना, तो भाई नहीं, मैं जाऊंगा। मैं जान देने को तैयार हूं काला जिन। रुको रेहान, अल्लाह नोज बेस्ट, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। ये जंग सिर्फ मेरी है। तुम्हें जान चाहिए तो एक आयाना की जान ले लो, लेकिन खान बाबा को वापस लौटा दो। काले जिन ने दोनों की जान लेने से इनकार कर दिया। उसे कोई और ही कीमत चाहिए थी। काले जिन ने रोशनी से कहा, अगर अमन की जान वापस चाहिए, तो आयाना और जिन्नात के बादशाह का पहला बच्चा, यानी तुम्हारी पहली औलाद, तुम्हें मेरे हवाले करनी होगी।